can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am back again with a new video. So, mere saath maujood hain Chaudhary Samran saab, jinki ye gaadi hai. तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑल न्यू 2022 मॉडल होंडा सिविक 1.5 टर्बो ओरियल वेरिएंट। तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी अर्ली यूज़र्स में से मतलब कैसे गाड़ी इनको मिल गई है और इसकी क्या प्राइस थी और इन्होंने ओरियल क्यों प्रेफरेंस दिया आर एस टर्बो की नस्बत। तो समरान भाई सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया रोज़े में आपने टाइम दिया। समरान भाई मुझे बताइएगा कि आपको कैसे इतनी अर्ली मिल गई ये गाड़ी। यार मैंने बेसिकली बजाने ये गाड़ी करवाई थी ओल्ड वाली बुक। अच्छा ठीक है 2021 के मैंने दिसंबर में मेरी करवाई थी मैंने ये गाड़ी बुक पुरानी वाली। तो जनवरी में मुझे गाड़ी मिलनी थी। अच्छा तो बेसिकली मैंने और मेरे भाई ने दो गाड़ियां बुक करवाई थी, एक वाइट थी एक ब्लैक थी। अच्छा तो वाइट वाली गाड़ी थी वो हमें मिल गई थी 14 जनवरी को। उसके बाद जो गाड़ी थी ब्लैक वाली उन्होंने कहा था होंडा पॉइंट ने कि ये हमारे पास ब्लैक यूनिट अवेलेबल नहीं है तो सर आप वाइट ले लें। मैंने कहा मुझे ब्लैक ही चाहिए, मैंने वाइट नहीं लेनी। तो उसके बाद वो उन्होंने वेरियंट ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, ये नया वेरियंट आ गया। तो उन्होंने हम कॉल की सर आपको हम नया वेरियंट दे देते हैं ब्लैक में, वो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो बुकिंग पे अगस्त का टाइम चल रहा है, हम आपको टाइम दे देंगे गाड़ी। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं वो ले लेता हूँ फिलहाल। मुझे पर्सनली वो शेप पसंद थी। अच्छा पुरानी से वो मुझे बहुत प्यारी शेप थी। मैं और फिलहाल मैंने ये इसकी पेमेंट कर दी उनको बकाया जो ड्यू रहती थी। अच्छा तो उन्होंने मुझे ये गाड़ी जो है ना मार्च में ये मुझे गाड़ी दी थी। अच्छा मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि पुरानी गाड़ी की बुकिंग कितनी थी और इसकी बुकिंग क्या थी, मतलब उस सेम बुकिंग के अंदर आपको उन्होंने ये गाड़ी दे दी थी। हाँ सेम बुकिंग के अंदर मुझे उन्होंने गाड़ी दी थी और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो डिफरेंस आपने वो डिफरेंस मैंने पे किया। ठीक है तो गाड़ी आपको वैसे ही कॉस्ट कितने में कर गई है ये गाड़ी? मुझे इसकी जो नुमाइश है 54 कुछ इसकी नुमाइश है और इसके होल्डिंग टैक्स मिला के नंबर मिला के ये गाड़ी मुझे पड़ गई है 56 की कॉस्ट कर गई है। अच्छा 56 की कॉस्ट कर गई। सही है तो अब मुझे ये बताएं कि आपने आर एस टर्बो को क्यों प्रेफरेंस दी, क्योंकि तीनों वेरिएंट सिस्टम जो है ना वो टर्बो वेरिएंट है। मैंने आर एस को किया था जी, जी लेकिन उन्होंने मुझे कहा था सर आपने विटी ओरियल बुक करवाई हुई है। अच्छा, ओल्ड अच्छा। में भी तो आपको हम यही देंगे अगर आप आर एस पे जाते हैं बुकिंग चेंज करते हैं तो हम आपको अगस्त में गाड़ी देंगे। अच्छा तो अच्छा, फिर अच्छा, सबर नहीं था मेरे अंदर, मैंने कहा आप यही दे दें। सही है सही है। तो मुझे बताइए कि आपको कितना बरसा हो गया इसको, मतलब कितने इसमें आपने कितना ड्राइव कर लिया आपको? बेसिकली ये गाड़ी मैंने भी यूज की है, भाई ने भी यूज की है और फैमिली में ये 3-4 गाड़ियां हैं। ठीक है सेम जो नई शेप की इकट्ठी ली है सब कजनों ने। अच्छा तो फैमिली के अंदर ही तो ये मैंने गाड़ी फिलहाल चलाई है तकरीबन कोई 2,000-2,500 ये वाली। ठीक है जो खुद चलाई है। अच्छा अच्छा तो मुझे इसमें जो मेन चीज नजर इसमें आई है ना, सबसे पहले जो कंपनी ने इसका जो चीज है वो इसके टायर जो है ना वो बिल्कुल फर्क है। सही है इसके टायर चलने के काबिल नहीं है। हाँ, मजा नहीं है गाड़ी का। मैक्स दिए हैं कोई? बिल्कुल बिल्कुल वो जैसे पहले होंडा को आते थे वही चीज है ये। ठीक है नेम चेंज कर दिया लेकिन मेड इन पाकिस्तान ही है। हाँ जी तो वो टायर को जो इसके टायर है वो मुझे इसके बिल्कुल नहीं है। देखिए आपको शोर आ रहा होगा इसका। ठीक है अभी इसकी स्पीड भी नहीं है लेकिन शोर इसका बहुत। अभी ओरिजिनल टायर लगे इसके? ओरिजिनल भी टायर लगे। सही है। अच्छा और उसके बाद ये मुझे बताएं कि उसके अलावा और आपको मतलब जैसे आपने पुरानी सिविक पहले भी रखी है ये भी रखी है और आपको उसके अलावा क्वालिटी के ऊपर कोई लगता है कि यार इन्होंने इस बार क्वालिटी अच्छी की है कि पहले से भी बुरी कर दी है, क्या मतलब क्या उसके बारे में क्या कमेंट्स हैं? मैं इसके बारे में क्या कहूँ यार, क्वालिटी बस पाकिस्तान है तो क्वालिटी इसकी वीक भी है तो चलेगी भी, वीक भी है फिर भी चलेगी वो तो डेफिनेटली चलेगी। बेसिकली जो इसकी बॉडी वेट है ना वो बहुत कम कर दी। अच्छा बहुत कम कर दी है। सही है तो बेसिकली जब ये गाड़ी 150 पे जाती है ना तो इसमें फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, जैसे वो ग्रैंडी में आती है ना टोयोटा में फील आना शुरू हो जाती है। अच्छा यानी कि होंडा ने वो वाला सिस्टम खत्म कर दिया जो स्टेबिलिटी का फैक्टर वो है। इसमें नहीं आ रहा, यहाँ तो वो टायर का इशू है। हाँ। जो इसके टायर चेंज करूंगा शायद वो ठीक हो जाए मेरे। अच्छा तो अदरवाइज मुझे मेरा नहीं ख्याल कि वो टायर का इशू है तो यानी आप भी सकता है। आप कहते हैं कि 150 के बाद ये शॉपर बन जाती है, जैसे सुनील साहब कहते हैं कि सिविक शॉपर है तो शॉपर बन जाती है। सही कह रहे हैं सुनील साहब। अच्छा और ये इसमें फील अभी मुझे आती है कि जब 150 पे जाती है ना इसमें आती है और इसके जो 4 गाड़ियां है ना भाई के पास, हमारे पास 4 गाड़ियां है। अच्छा चारों में ही सीन है। अच्छा तो इसका जो बॉडी है ना इसका देखें, बोनट आपको देखें इसका थरथरा रहा है नजर आएगा अभी आपको। ठीक है तो इसका बहुत लाइट वेट उन्होंने कर दिया। अच्छा तो पहले जो होंडा है वो मुझे अभी भी पसंद है।
अच्छा, तो मतलब सिविक एक्स आपको इससे ज्यादा बहुत बहुत पसंद है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपने 56 लाख में आपको कॉस्ट की है गाड़ी की? बिल्कुल। अच्छा, उसमें आपको इन्होंने फ्रंट पे जैसे मैं देख रहा था कि हैलोजन लाइट्स दे दी हैं, वो भी येलो कलर की। येलो कलर की, तो जो इससे पुराना वेरिएंट था उसमें भी शुरू में इन्होंने ये किया, लेकिन फेस अपलिफ्ट का वो टैग लगा के तो उन्होंने एलईडी लाइट्स दी। एलईडी लाइट्स दी। तो ये मुझे लगता है कि होंडा ने इसके अंदर भी कुछ साल दो ये साल भी साल दो साल ऐसे ही करेंगे। हाँ, हाँ। उसके बाद इन्होंने फिर वैसे ही करना है जैसे होंडा ने पहले किया है, उसकी लाइटों में क्रोम दे दिया, पिछले बम्पर पे क्रोम दे दिया, लाइटें और रिंग चेंज कर दिए, इसके साथ भी यही होगा बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी ये गाड़ी फिर 2-2.5 लाख रुपए फिर महंगी होगी, फिर महंगी हो गई 57 समथिंग इसकी अभी इनवॉइस हो गई है। अच्छा, और महंगी हो गई है, और इस पे भी 4.5 लाख रुपया ऑन है। अच्छा, इस गाड़ी पे। अच्छा। और ये मुझे तो बुक करवा के 56 की पड़ी है। सही, तो वैसे ये गाड़ी 62 की कॉस्ट करेगी जो भी बंदा लेगा, और यानी कि जितने पहले टर्बो आरएस ने कॉस्ट करना था उतने अब आपको ओरियल कॉस्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने तकरीबन 2-2.5 हजार किलोमीटर चलाई है अभी, वैसे फ्यूल एवरेज के बारे में बात करना बहुत अर्ली है, लेकिन फिर भी आपने अभी तक इतनी ड्राइव किया तो उसमें क्या एवरेज दे रही है? बेसिकली भाई मेरे गए हैं पत्तों की। अच्छा, ठीक है, वो लेके गए हैं, उन्होंने चलाई है, और इसने अभी जो एवरेज दी है ना वहाँ पे जैसे आई, इन्होंने 13 एवरेज दी है गाड़ी ने। अच्छा, ये मुल्तान रोड पे। सही है, तो उधर भी आपको पता है ब्रेक लगती है। हाँ, चलती है ब्रेक, लगती है चलती है, और मोटरवे पे भी कोई मैंने नहीं चलाई। सही है, कोई आइडिया नहीं है। बेसिकली ये गाड़ी देगी 13 देगी इंशाल्लाह देगी। अच्छा, और मैंने देखा कि इसकी हॉर्स पावर उन्होंने थोड़ी सी कम कर दी है, ये थोड़ी सी इन्होंने मतलब पुरानी गाड़ी की निस्बत भी, या जो टर्बो आरएस है इंजन सेम है लेकिन इसको थोड़ा डी ट्यून किया, कुछ सीवीटी ट्रांसमिशन का फर्क है, तो आपको ये थोड़ी अंडर पावर तो नहीं फील होती कि गाड़ी अंडर पावर? जो आरएस पहले वाली है ना, हाँ, उसमें और इसमें फर्क है बिल्कुल, उसकी पिक में बहुत फर्क है बिल्कुल। और ये आरएस ने जो उन्होंने कर दी है, यानी कि जो अभी भी आरएस आई है ना, हाँ, उसका और इसका इंजन सेम है। सेम जो पहले वाला वेरिएंट है स्विक एक्स जो है ना, उसका जो इंजन टर्बो है वो बहुत हैवी है, इससे अच्छा है, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है वो गाड़ी, पिक में बहुत अच्छी है। ये अंडर पावर तो नहीं है फिलहाल, लेकिन ये गाड़ी वो चीज नहीं, वो चीज नहीं, इसका इंजन वो वाली चीज नहीं है। अंडर पावर लगा लें उसके मुताबिक ही अंडर पावर है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, और उसके अलावा मुझे ये बताएं कि अभी इन सिटी जोन से आपको एसी की परफॉर्मेंस वगैरह इसकी कैसी लग रही है? एसी इसका बहुत अच्छा है, एसी तो होंडा का माशाल्लाह शुरू से ही परफेक्ट है। जी जी, शुरू से ही। तो दूसरा, एसी आपके सामने भी देख लें चल रहा है, मुझे ये बात बताएं कि अभी आप जैसे लोगों ने बड़े मैंने देखा है वीडियोस बनाई हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कहीं पे वो गैप आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रहा है, जी वो एलसीडी ऐसे ये लगी हुई है इसमें, इस ये हिलती है जी, खराब हो रही है, आपको कोई ऐसा कोई इशू लगा है या आपने कोई देखा है चीजें इस तरह की मतलब है वाकई तो वीडियो बनी हुई है कुछ है चीजें? अच्छा, कुछ है जैसे कि इसी वो उन्होंने लोगों ने बताई है ना कि जो इसकी दरवाजों की वो सीले हैं तो वैसा नहीं है कुछ भी। हाँ, वो पता नहीं लोगों ने एडिट की हुई है, फोटोशॉप से बनाई हुई है। हाँ, या हो सकता है कि वो डिस्प्ले की गाड़ियों में हो, बिल्कुल। लेकिन जो कस्टमर ने खरीदी है, मैंने मैंने गाड़ी, ये पहली गाड़ी मेरी है होंडा पॉइंट से, ये चौथी गाड़ी मेरी है होंडा पॉइंट से, सही है, ठीक है। तो मेरी गाड़ी में ऐसा कोई चीज नहीं, मुझे नहीं नजर नहीं है, और मैंने ये बकायदा चेक करके ली थी गाड़ी में, कोई इशू तो नहीं आ रहा इसमें, कोई चीजें गायब तो नहीं है, लेकिन वो छोटे मोटे हैं किसी चीजों में, लेकिन वो जो दरवाजों में है वो मैंने चीजें। अच्छा, मैंने इंटीरियर में मैंने देखा डैशबोर्ड उसने वो मतलब साइड से करके खोल दिया था, पूरा उतर गया था, जैसे ये इसका कहते हैं यार ये बड़ा चीप प्लास्टिक है, आपको क्या लगा इसका प्लास्टिक की क्वालिटी को इन्फीरियर लगी आपको? ये लगी है बिल्कुल, लेकिन जो इसका डैशबोर्ड का वो उन्होंने बताया मुझे, फिलहाल वो चीज नजर नहीं इसके अंदर आई, मैंने देखा है वो तसल्ली की है। तो फिलहाल तो ये भी जब चल जाएगी मेरे ख्याल से ठीक होगा, ये कलर की वजह से लोग कह रहे होंगे या प्लास्टिक की वजह से कह रहे होंगे, मुझे ये चीज पसंद है। वैसे मुझे खुद पर्सनली मुझे खुद को भी पसंद है, इसका जो टेक्सचर है उसकी जो फील है ये अच्छी है और ये पायदार लग रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा वक्त के साथ फेड हो जाएगा, ऐसे ही नहीं, फेड नहीं होगा ये, वो पहले वाला जो क्रोम है उसका वो फेड होता है, इसका इसका नहीं फेड। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा था इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स मोड नहीं है, इको वगैरह का मोड है, इलेक्ट्रॉनिक पावर है इसका, स्पोर्ट्स मोड इधर अब इस पे गियर पे ही है। अच्छा, एस करें एस करें स्पोर्ट्स करें चले गए। अच्छा, आपने 56 लाख खर्चा, तो आप क्या समझते हैं कि होंडा को कम से कम इसमें एयर बैग्स ज्यादा देने चाहिए थे? यार एयर बैग्स भी देने चाहिए थे 56 लाख में, और फ्यूचर्स नहीं है इसके अंदर गाड़ी के ना। हाँ, अब कंपेयर करें जापानीज के साथ तो ये गाड़ी 56 में बहुत महंगी, बहुत महंगी, बहुत महंगी है। इसको प्रियस के साथ ले जाए ना तो प्रियस में बहुत फीचर्स हैं, जो जो नई सेवल इनसाइड है जो, जी जी, जो सिविक एक्स जैसी शेप है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर मतलब टन ऑफ फीचर्स हैं, मैंने भी सेल की है कुछ दिन पहले, तो वो उसके साथ आप कंपेयर करें तो आपको क्या ख्याल है कि वो लेना वर्थ है भला कि ये नई सिविक लेना वर्थ है? उस गाड़ी में सिर्फ सनरूफ नहीं है, ठीक है, बाकी वो हर मामले में वो एक लग्जरी गाड़ी है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो एक लग्जरी गाड़ी है, उसके अंदर बहुत फीचर्स हैं, उसमें अपना हीटेड सीटें हैं, इलेक्ट्रिक सीटें हैं, लेदर सीटें हैं,
उसमें पार्किंग सेंसर है। इसमें पार्किंग सेंसर भी नहीं है? इसमें पार्किंग सेंसर है, BSM है, उसमें बहुत सामान है गाड़ी में। इसमें नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है 56 में, ये समझ लें कि 56 पे तो मेरे लिए, लेकिन लोगों को जुनून है, लोग इसको 62 प्लस कोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी अभी ये गाड़ी और ऊपर जाएगी बिल्कुल ऐसे ही। मुझे तो फिलहाल इसमें कोई ऐसी फील नजर नहीं आई 56 वाली, बिल्कुल ऐसा ही है। बस आपको पता है कि पाकिस्तान में जो चीज नहीं आती है, हर इंसान कहता है पहले मैं ले लूं, पहले मैं ले लूं ये चीज पहले, यानी कोई भी चीज है उसकी रीसेल जो होती है वो बढ़ती है, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने एक दो वीडियो देखी है, उसके अंदर ना इसका रिवर्स कैमरा, फ्रंट कैमरा और जो इसका ये LCD के अंदर कैमरा है उसकी क्वालिटी के बारे में बात की है लोगों ने कि वो बहुत ज्यादा इन्फीरियर है, बहुत ही घटिया है। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब इसका कैमरा वाकई वो यूजेबल है कि नहीं है? मुझे जो इसका पर्सनली बैक कैमरा है ना वो इसका बेटर लगा। अच्छा। और फ्रंट और जो इसका इनर वाला है वो तो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो पहली गाड़ी में भी इतना खास नहीं है, नहीं था बिल्कुल नहीं, तो वो तो यूजेबल ही नहीं था, वो यूजेबल भी नहीं है और लोग यूज करते भी नहीं है। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि मतलब इसका जो बैक कैमरा है वो कदरे बेहतर है फ्रंट और जो इनर वाला इसका कैमरा? जी जी। अच्छा, और उसके बाद ये एंड्रॉइड पैनल है इसके अंदर? ये एंड्रॉइड पैनल, तो इसकी मतलब पुराने जैसा पुराना वाला तो बिल्कुल ही पैनल जो था फजूल था? नहीं, इसमें बहुत, ये बहुत अच्छा, ये उससे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। मैंने देखा एक वीडियो, मैंने चेक कर रहा था, उसमें उसने कहा कि यार इसका एंड्रॉइड पैनल बहुत ही स्लो है और बिल्कुल यूजेबल नहीं है, ये होंडा ने बहुत बुरा दे दिया है, तो मतलब ये हिलता रहता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके साथ? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि हिलता रहता है। हाँ। और इसका एंड्रॉइड बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। हाँ। और बेसिकली मैंने इसके अंदर अभी भी अपना प्ले स्टोर चलाया हुआ, यूज किया हुआ है, यूट्यूब वगैरह। हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही है, मतलब इससे आप खुश हैं? कैसी है इसकी फोन शोन की? ब्लू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, अगले बंदे को आवाज आती है? आवाज आती है, सही है। यानी कि आपको एक्सटर्नल कोई माइक शाइक नहीं लगाना? नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दोबारा 56 लाख मिले तो आप कौन सी गाड़ी की तरफ जाएंगे अगर आपको बाय करनी पड़े तो? ये प्रियस नई शे वाली, प्रियस नई शे वाली, मेरे पास दो है। हाँ। लेकिन फिर दोबारा उस पे जाऊंगा। अच्छा, यानी कि आप सिविक छोड़ देंगे? सिविक छोड़ दूंगा। सही है। तो व्यूअर्स, अभी आपको हमने इसका 0-100 भी ड्राइव करके दिखाते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन वगैरह कैसी है। अच्छा व्यूअर्स, इसको थोड़ा सा अभी ड्राइव करके देखते हैं और इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दिखाता चलूं। तो पुरानी सिविक के अंदर तो सिर्फ आपको बोनेट के ऊपर लाइंस वगैरह नजर आती हैं, लेकिन यह है कि इसका आपको काफी हद तक बोनेट वगैरह भी नजर आता है आपको ऊपर, मतलब वो एज टू एज नजर आ रहा होता है। ये इसमें एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। और उसके अलावा इसकी विजिबिलिटी की बात करूँ तो साइड विजिबिलिटी इसकी है, जो साइड मिरर्स है उसका काफ़ी अच्छा व्यू है, आपको पूरा मतलब पीछे से नज़र आता है। और ब्लाइंड स्पॉट कोई ऐसा सच एज नहीं है, ये जो पिलर है इससे आपका जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं हो रहा। और उसके अलावा गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ये जो इसका डिस्प्ले है ना, ये बड़ा आर्म लेंथ के ऊपर है और बड़ा अच्छा है, मतलब पुरानी सिविक से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इजी टू यूज़ है और यहाँ से आपकी 1 आर्म के ऊपर आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह इस पर इंस्टॉल की हुई है। बाकी स्टेयरिंग जोन से स्टेयरिंग की फील बहुत कॉम्पैक्ट है, बड़ी अच्छी है। और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे इस बार का हाईलाइटेड फीचर है ये। और अभी इसको थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे के देखते हैं कि इसमें और उसमें पुरानी सिविक में कितना को डिफरेंस है। टर्बो किक इन होता है तो आपको गाड़ी थोड़ा सा सीट के साथ पुश करती है कि नहीं करती। अच्छा जी, ये इसका एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स और ये ड्राइव के ऊपर है डी पे, ये मतलब बेस मैंने प्रेसिंग किया। और इसकी जो मुझे अभी फील आ रही है ना, तकरीबन ये समझ लें आपने ODA4 या कोई ODA5 स्पोर्ट्स बैक ड्राइव की हो ना, तो उसका जो स्टेयरिंग की फील है और इस गाड़ी की फील है ना, उस टाइप की है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि यार गाड़ी आपके कंट्रोल में है, बड़ी स्टेबल इसकी फील आती है। एक गाड़ी का रिस्पांस डी पे और एस पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी ब्रेक इसकी इम्प्रूव हो जाती है और RPM को थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करती है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ऐसा कोई फर्क नहीं है कि ये टर्बो वेरिएंट आप इसको ऐसा समझ के चलाएं कि ये बहुत ज़्यादा भागेगी और RS टर्बो की तरह आपको जो फील देगी वो वाला सिस्टम नहीं है इसमें। थोड़ी सी ये है कि मतलब VTI ओरियल जैसी ही फील दे रही है आपको, वो भी 10 सेकंड में जाती थी पुरानी और ये भी 10 सेकंड के अंदर जाती है। तो ये था बस थोड़ा सा इसका पॉइंट ऑफ व्यू और इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस। बाकी इसको वक्त के साथ जब चलेगी तो मज़ीद इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा व्यूअर्स, अभी इसका ये है कि थोड़ा सा सस्पेंशन टेस्ट दिखा दूँ आपके सामने, रोड कंडीशंस किस तरह की हैं बाहर। और अभी ये नई सिविक में कोई वैसे सस्पेंशन के अंदर कोई आवाज़ें वगैरह नहीं है क्योंकि नई गाड़ी है,
और उसके अलावा ये है कि गाड़ी का सस्पेंशन सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं है। जैसे सिविक एक बना हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब स्टिफ होता है सस्पेंशन, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। ये भी आपके सामने है कि हम नॉर्मल स्पीड पे इसको क्रूज़ कर रहे हैं और सस्पेंशन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और इंटीरियर के अंदर कोई ख़ास आवाज़ नहीं आ रही। मतलब मुझे ऐसी फील आ रही है, ऐसे क्रोला वाली फील नहीं होती कि थोड़ा सा स्मूथ सस्पेंशन है। तो ये होंडा ने इस बार बड़ा अच्छा काम किया, सिविक एक्स का भी सस्पेंशन इस तरह का ही है। तो व्यूअर्स, आई होप सो आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.